उदयपुर में एक नया चलन कन्हैयालाल साहू की हत्या के बाद चल पड़ा है। अपनी दबंगई दिखाने के लिए हर किसी को धमकी दे दो। माहौल कुछ ऐसा है कि इन बातों को अब कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। बस इसी बात का फायदा कोई भी छुटभैया या गर्दुल्ला उठाकर अपने आप को डॉन समझ रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर की एक दुकान के सेल्समैन को धमकी देने के मामले में पुलिस ने अब दो युवकों को पकड़ा है। 300 सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए 15 दिन के बाद पुलिस आखिर आरोपियों तक पहुंच गई है। आरोपियों में एक युवक घंटाघर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इन आरोपियों ने बिना वजह ही राह चलते सेल्समैन को डरा कर दहशत फैलाई थी। इसके बाद से मालदा स्ट्रीट के व्यापारियों में दहशत थी। आरोपियों का कन्हैयालाल साहू हत्याकांड या किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्शन सामने नहीं आया है। डीएसपी तपेंद्र मीणा बताते हैं कि 15 जुलाई को मालदा स्ट्रीट में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले युवक को बाइक पर आए दो युवकों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पुलिस ने हर एंगल से लगातार पड़ताल की। 300 कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों को चिन्हित भी कर लिया गया। इसके बाद महावतवाड़ी सिलावटवाड़ी निवासी शाहनवाज उर्फ चनिया और राहिल शेख उर्फ बोहरा को गिरफ्तार किया है। राहिल घंटाघर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। ये दोनों धमकी देने के बाद से अपने घर से नहीं निकल रहे थे। मीणा ने बताया कि एसपी विकास शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसमें सीआई श्याम रत्नू, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, प्रदीप, सतपाल, जिग्नेश शामिल थे। आरोपियों से पूछताछ और कॉल डिटेल समेत अन्य पड़ताल में कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। आरोपियों ने अपनी दबंगई दिखाने के लिए सेल्समैन को धमका दिया। आरोपियों ने सेल्समैन को रोड से किनारे चलने को बोला। तभी उन्होंने कहा कि होशियारी दिखाई तो देख लेंगे। इसके बाद युवक ने दुकान पर आना भी बंद कर दिया। इस सेल्समैन से एक दिन पहले ही दो अन्य व्यापारियों को भी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी दी गई थी। आरोपियों द्वारा फर्जी फोटो भेजकर व्यापारियों को कन्हैया की तरह उनका भी सर कलम करने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा थाने पे आके एक सूचना दी गई कि राह चलते उनको दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पे जान से मारने की धमकी दी। में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस विशेष टीम ने विशेष प्रयास करते हुए दोनों व्यक्ति, जिसमें पहला व्यक्ति है शाहनवाज उर्फ चनिया, दूसरा राहिल शेख उर्फ बोरा, दोनों व्यक्ति मावतवाड़ी के हैं, जिनको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे इसमें कानूनी कार्रवाई जारी है। इस थाने का ही एचएस है वो। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।